मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, क्योंकि अगर आप दिल्ली की सरकार को देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनहित में काम करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उस सरकार के विधायकों का अगर कोई सर्वेक्षण हुआ, उसमें अगर ये निकल कर आ रहा है कि जितेंद्र सिंह तोमर ने सबसे ज्यादा विकास के कार्य किए और सबसे ज्यादा जनता के लिए उपलब्ध हुए, तो इसका मतलब पूरे देश में जितने भी विधायक हैं उनमें सबसे सक्रिय विधायकों में से एक जितेंद्र सिंह तोमर जो आपके लिए उपलब्ध रहे। तो अगर ऐसा जनसेवक आपको मिल जाए, जनप्रतिनिधि आपको मिल जाए, तो राजनीति के प्रति जो आपके मन में गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो आपके मन में एक दुर्भावना की बात रहती है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये पार्टी बनाई थी, मुझे याद है, उन्होंने एक ही बात कहा था, हम राजनीति करने नहीं, हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और चार सालों के अंदर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का काम चार वर्षों में हमने किया है। आज पूरे देश के अंदर अगर राजनीति की चर्चा होती है तो दिल्ली के शिक्षा के मॉडल की चर्चा होती है। अगर आज पूरे देश के अंदर गवर्नेंस की बात होती है तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है। आज इस बात पर पूरी दुनिया आश्चर्य कर रही है कि एक ऐसी सरकार जिसके राज्य में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं होता, वो सरकार आधे दाम पर बिजली देने का काम करती है। एक ऐसी सरकार जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त आपको देने का काम करती है। एक ऐसी सरकार जो जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देती है और किसान का फसल बर्बाद होने पर 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम करती है। जय जवान जय किसान के नारे को हमने जमीन पर सच करके दिखाया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं चार सालों के अंदर। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि इतना सारा जनहित का कार्य करने के बावजूद केजरीवाल जी की सरकार ने, भाई मनीष सिसोदिया जी ने जो अभी बजट पेश किया, जब हमने सफर शुरू किया था 4 साल पहले तो हमारा बजट आधा था, आज दोगुना हो गया है। हमने 4 साल में अपना बजट दोगुना करने का भी काम किया। यह एक ईमानदार सरकार का उदाहरण। इसलिए जो लोग आपको तमाम दूसरे सवालों में उलझाना चाहते हैं, उनसे एक ही बात में जवाब दे देना, बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सरकार है जहां पर सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, जहां पर सरकारी स्कूलों के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बन रहे हैं। बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों को चिकित्सा की सुविधा दे रही है। बताओ हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी सरकार है जो कहती है अगर आपका कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आपके पास पैसे नहीं है परिवार के सदस्य का इलाज कराने के लिए, तो दिल्ली की सरकार और केजरीवाल की सरकार कहती है 25 लाख 50 लाख जितना भी खर्चा आएगा वो हम उठाने का काम करेंगे। कौन सी ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में, बताओ हमको। चुनाव में 70 सालों में आपसे जाति के नाम पर वोट लिया गया, धर्म के नाम पर वोट लिया गया, हिंदू के नाम पर वोट लिया गया, मुसलमान के नाम पर वोट लिया गया। एक सरकार 4 साल में ऐसी आई है जो कहती है हमारे काम के नाम पर हमको वोट दे देना। तो अगर अपने जिंदगी का, अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हो, अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हो, एक सुंदर दिल्ली चाहते हो, तो इस बार चुनाव के अंदर 2019 में जाति धर्म के नाम पर नहीं, हमारे काम के नाम पर भाई पंकज गुप्ता जी को अपना वोट देके जिताने का काम कीजिएगा। बहुत कठिनाइयां आई, आपसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपकी जानकारी में है, क्या क्या नहीं हुआ हमारी सरकार के खिलाफ। 25 हमारे विधायकों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तमाम मुकदमे उनके ऊपर चलाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए जितेंद्र सिंह तोमर के ऊपर कार्रवाई की गई, आप सारे लोग जानते हैं।
उन 25 विधायकों में से 19 को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया और कहा पुलिस वालों तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कैसे तुम मुकदमा चला रहे हो, कैसे तुमने इनकी गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई का छापा सत्येन जैन पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जिनके शिक्षा के मॉडल पे अमेरिका में चर्चा हो रही है, फ्रांस में चर्चा हो रही है, जर्मनी में चर्चा हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, इन आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। उनके ऊपर छापा, कैलाश गहलोत के ऊपर छापा, और तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापा डाल दिया, दरोगा भेजकर उनके घर में उनको अपमानित करने का काम किया गया। और ये सब कुछ क्यों किया गया? ये सिर्फ इसलिए किया गया कि केजरीवाल आपको अपना हाथ दिलाना चाहते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए लगातार उनके खिलाफ पुलिस की सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है। मैंने तो मोदी जी से कहा, मोदी जी केजरीवाल पर एक नहीं 1000 सीबीआई के छापे डलवा लो, 2-4 मफलर ज्यादा मिले, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हर दिन आपके कामों में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। अब मैं आज आपसे एक बात और कहता हूं, अपने बच्चों को सरकारी नौकरी देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? हाथ उठा के बताइए, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है। आप अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर आपका बच्चा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उच्च शिक्षा में, बीए में, एमए में एडमिशन के लिए बार बार धक्के खाता है, इधर से उधर भटकता है, उसके लिए अच्छे विद्यालय की व्यवस्था और उसके दाखिले का इंतजाम आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? नए स्कूल, नए अस्पताल बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? और अगर आप अपने बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं, माताओं बहनों को सुरक्षा देना चाहते हैं, नए स्कूल अस्पताल बनाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो एक मौका हमको दे दीजिए, हमारे पास पुलिस आ जाए, हमारे पास जमीन आ जाए तो ये सारे काम, हमारे पास सरकारी नौकरियां आ जाए तो यह सारे काम हम पूरा करके दिखाएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और ये पूरा कौन करेगा? ये पूरा करेगी देश की सबसे बड़ी पंचायत, पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट के अंदर मुझे 1 साल हुआ है गए हुए, और यहां जितने व्यापारी भाई हैं उनके पास मेरा वीडियो होगा, नहीं होगा तो देख लीजिएगा, पंकज जी के पास भी है, सुन लीजिएगा। पार्लियामेंट के अंदर जब सीलिंग का मुद्दा चल रहा था, आपके दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों के मुंह में मेढक बैठ गया था, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकने का भी काम किया और आपके पक्ष में आवाज उठाने का भी काम किया, वो दर्ज है पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुन लीजिए। दिल्ली में सीलिंग को रोकने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया और मैंने कहा कि कानून बनाओ दिल्ली के अंदर, अगर आप तमिलनाडु में जलाई कुट्टी का त्यौहार उसके लिए संसद में कानून बना सकते हो, अध्यादेश ला सकते हो, अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए ट्रिपल तलाक से लेकर तमाम मुद्दों पर अध्यादेश ला सकते हो, तो दिल्ली के व्यापारियों को, 7 लाख व्यापारियों को उजड़ने से बचाने के लिए अध्यादेश लाओ, कानून बनाओ और सीलिंग के कहर को दिल्ली में रोकने का काम करो। ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर कही है, सुन लेना। और इसलिए मेरी अकेले की बात राज्यसभा में कमजोर हो जाएगी, मेरे अकेले की बात राज्यसभा में तब तक उसका कोई महत्व नहीं है
जब दोनों सदनों में जब तक हमारी आवाज नहीं उठती, इसलिए सीलिंग हो, पूर्ण राज्य हो, सरकारी नौकरियां हो, स्कूल में दाखिले हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, जमीन आपके स्कूल और कॉलेज के लिए चाहिए अगर, तो याद रखना इस बार अपना वोट पूर्ण राज्य के लिए पंकज गुप्ता को देना, अरविंद केजरीवाल को देना। हम आपको दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य दिलाकर दिखाएंगे। हमारे 7 मेंबर लोकसभा में और 3 हम लोग राज्यसभा में, जो भी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर केंद्र में, उस सरकार का जीना हराम कर देंगे, लेकिन आपके लिए पूर्ण राज्य लेकर रहेंगे, ये हम आपसे कहने के लिए आए हैं। इसलिए आपकी वोट देना। और इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव में पैसे का भी इस्तेमाल होगा, धर्म का भी इस्तेमाल होगा, जाति का भी इस्तेमाल होगा। पूरे देश में ये सब खेल चल रहा है, उसको रोकने में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम दिल्ली में आपने 2013 में 28 सीटें देकर हमारा परचम लहराया। 2015 में जब लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में 70 में से 67 सीटें देके आम आदमी पार्टी का परचम लहराने का काम किया, ये आपका इतिहास है। तो इस बार पूर्ण राज्य के लिए दिल्ली को पूरा हक मिले, केजरीवाल जी आपके बच्चों के लिए और अच्छे ढंग से काम कर सके, इसलिए आप लोगों को इस बार 2019 के चुनाव में 7 की 7 सीटें पंकज गुप्ता जी सहित तमाम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करना है, पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। आप सबने मुझे यहां पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।